बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था। शिल्पा के माता पिता सुनंदा और सुरेंद्र शेट्टी की बड़ी बेटी है जो औषधि निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनकी एक छोटी बहन है शमिता शेट्टी जो कि एक अभिनेत्री है। शिल्पा शेट्टी ने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया है। शिल्पा ने मुंबई में चेंबूर के एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर पोद्दार कॉलेज से पढ़ाई की। शिल्पा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि डांस और खेल में भी अव्वल थी। शिल्पा एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना है और अपने स्कूली दिनों में वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। वह रियलिटी शो बिग ब्रदर की विजेता भी रह चुकी हैं। फिलहाल शिल्पा इंडियन प्रीमियर लीग की टीम राजस्थान रॉयल्स की सह मालकिन है। फिटनेस शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। बता दें कि शिल्पा करियर के शुरुआती दौर में इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी जितनी कि वो इंडियन लाइफ इन डॉलर मेट्रो और अपने में लगी हैं। शिल्पा 42 की हो गई लेकिन उनका मानना है कि उम्र उनके लिए मायने नहीं रखती। शिल्पा का कहना है, मैं हमेशा अपने आप को ग्रेसफुल रखने की कोशिश करती हूँ। आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप ये फैसला कर सकते हैं कि आप किसी भी उम्र में खूबसूरत और हेल्दी कैसे रह सकते हैं। भाषा शिल्पा को अपनी स्थानीय भाषा तुलु के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु और उर्दू भी बोलती हैं। शादी शिल्पा शेट्टी की शादी वर्ष 2009 में व्यवसायी राज कुंद्रा के साथ हुई है। उनके एक बेटा भी है, व्यान कुंद्रा। राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनके पति ने उन्हें तलाक दिया है। हालांकि बाद में राज कुंद्रा की पत्नी ने इसके लिए माफी मांग ली। करियर साल 1993 में आई सुपरहिट फिल्म बाजीगर से शिल्पा ने अपने करियर की शुरुआत और सहायक अभिनेत्री फिल्म बाजीगर से की थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में काजोल और शाहरुख खान नजर आए थे। शिल्पा ने फिल्म में काजोल की बहन का किरदार निभाया था। फिल्म में इसके बाद वो कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री अभिनय किया, जिसमें मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, धड़कन, गर्व, इंसाफ, इंडियन, कर्ज, रिश्ते, हथियार, चोर मचाए शोर, शादी करके फंस गया यार, लाइफ इन डॉलर मेट्रो, दोस्ताना अपने आदि फिल्में हैं। विवाद साल 2004 में आई एक फिल्म फिर मिलेंगे में शिल्पा ने एक एड्स पीड़ित का किरदार निभाया। इस फिल्म के लिए वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। शिल्पा ने फिल्म फिर मिलेंगे से हुई सारी कमाई एड्स पीड़ितों के नाम कर दी थी। शिल्पा उस वक्त विवादों में घिरी जब साल 2007 को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर ने शिल्पा को सबके सामने किस कर लिया। वर्ष 2003 में शिल्पा का परिवार विवादों में घिर गया जब उनके परिवार के अंडरवर्ल्ड के साथ कथित रिश्तों की खबर आई। सुनंदा शेट्टी ने तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये उनकी बेटी की छवि खराब करने की साजिश है। इसके अलावा शिल्पा कई विवादों में आई।